जानवर, क्या जानवर? जानवर क्या होता वो? सुअर। सुअर, अरे जी जी हाँ। और उसका तेल, उसका तेल कहाँ लगाए थे? अरे कौन लगाया था उसके? जानवर का तेल लाके लगाया था तीनों? कौन लगाया वो? कहीं को लगाया उसके अंदर? सारे बात आपको बोल, क्या दास्तान थी बता मुझे, और दिलूंगा तुझे मैं। जरा बोल जल्दी। लगा बुरी ताकत, उसके पास ताकत आ रही थी, वो मुझे उस बहुत बड़ा
ये हो जा रहा था इसके वजह से छोड़ रहे हैं झगड़ के रखो तो और मारो उसको छोड़ रहे ऐसा खिला था कौन है तू जात का हिंदू मुसलमान है हरामी जानू मजलिंगा कभी ने नस्लों को सतनाम अल्लाह का अल्लाह बर्बाद कर दिया कम बखत छोड़ रही बप्पा छोड़ गई ये जिंदा है मरा तू जिंदा है कहा रहता बोल कहा रहता पुणे में पुणे में कहा रहता उसको मालूम है उसके ताकत ने उसको बता कि दिल कौन है क्या है तू मुझे मैं जो पूछा उसका जवाब दिन पूरा जला के रख कर दिया जला जला उसको झगड़ा कर रहा उसको और तेज झगड़ा छोड़ मत उसको जला उसको तेज जला जला उसको जला तेज जला कर रहा उसके अंदर नहीं सबके नजरों में से गिराया उसको मैंने सबके नजरों में से एक को भी नजर नहीं उसके माँ का साया भी छीना उसके से उसके भाई ने लड़ाई लगाई झगड़े लगाया बहुत परेशान कर रहा था उसको और पेट को छोड़ने बोल झगड़ो झगड़ो उसकी पेट झगड़ो और तेज झगड़ो अली दवाया लोगों को खिला के कमी नया तेरे बाप का रच चल रहा है समझ रहा तू हाँ कोई निकालने वाला नहीं समझ रहा बहुत कोशिश कर रहा उसने निकालने की तेरे दोनों भी बादशाह लोग मेरे अंडर में समझा ना कमी ने बहुत कोशिश कर रहा तेरे जिसे और ये झगड़ो उसको और तेज झगड़ो आग भी लगाओ उसके अंदर से आग लगाओ जलाओ उसके पेट को आग लगाओ मराओ उसको दो जुलूम देने की बताओ उसको मैंने की सजा को तो बहुत कोशिश कर रहा था बेगुना लोगों को ताकत दिखा रहा तेरी मुझे दिखा तेरी ताकत नहीं ये ताकत कमजोर लोगों को दिखा रहा नहीं ये ताकत मेरी कुछ भी देखा ये अल्लाह कलाम की ताकत नाम मुतली कलाम उन्हें बहुत कोशिश कर रहा है छोड़ रहे पता तो सब सब
पहले झूठ बोल रही थी मैं नहीं रे मामा अब ही लाइन पे और जवाब
और क्या क्या परेशान करे उसको? बहुत परेशान करे उसको। क्या करे उसको और परेशान? उसको ऐसा उसे नहीं सत्य बहुत सत्य उसको मैंने बहुत सत्य मैंने बोल सकते उसको मेरे हाथ को क्या क्या लगू रे बच रे बस जनता की तरफ भी माना अंदर तुम लोगों को क्या लोगों का भी जन्म बस बस रे हाथ मेरा बस ना बस 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 लगू रे आग पेट रही हाथ में हे बाबा तू बहुत ताकतवर है बाबा बोले उसके पास किलो मार था अच्छा इसके वस्त्र मैंने करी उसको सब उसको गंदा खिलाई गंदा करी सब उसको गंदा कौन से इनके साथ में कोई नहीं है नहीं नहीं आने दिए मैं किसको उसके साथ बच्चे के साथ में क्यों नहीं आने दिए मैं किसको नहीं आने अकेला अकेला जाएंगे नहीं जाएंगे वो बोले नहीं तो भी मोबाइल बेच पैसे दे के आया उन्हें उसके पास पैसे भी रहते तो आने दिए रहते मैं उसको तकलीफ पूरी लाइफ में कभी नहीं हुआ सामना सामना नहीं हुआ था अब आज हुआ नहीं हुआ देखिए कैसी ताकत है तो आज गया था अब्दुल रजाक दरगाह को बीजापुर में करके बंदोबस्त करके आया था उसकी ताकत गई थी वापिस करा मतलब यहाँ कैसी मार पड़ी कैसा जकड़ के मार यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है पढ़ने की जबान भी होना अल्लाह के कलाम छोड़ अरे मैं छोड़ना मेरा हाथ कल बंदे लगे को छोड़ना पेट में दुख रहा मेरे बाबा छोड़ दिया था सच्ची
दुनिया तुम्हारे बाप की रे, किसको भी कुछ भी खिला के मनमाना कर नहीं रे, देखा कैसी ताकत है, उसका आमना सामना नहीं हुआ था अल्लाह के हुआ नहीं हुआ देखा ताकत छोड़ा से लाके छोड़े देते उसके आम ने ये जाता ना कहीं दूसरा में छोड़ नहीं बोलना पड़ता तो और चलो नकुरे नकुरे चल बोल कहाँ से लाए थे नकुरे कहाँ से लाए थे खबरस्तान से लाए थे मस्त नोटे से लाए थे हाँ अरे चुप बोल चला आप पर मुझे बोलता जाना मस्त नोटे से कहाँ से लाए थे मस्त नोटे से कितना टाइम हुआ थे बुला के इसके आगे छोड़ के छोड़े बच्चे के आगे अरे इसकी बोल बोल नहीं अरे इसको करा के छोड़े करा के छोड़े जादू चलाते टाइम बच्चे क्या लिख गए थे कैसा चला जादू ऐसा चला दिए ऐसा बाप का राज चल रहा देख मैं कहीं इतनी ताकत रहे दुनिया में मैंने मनमाना नहीं करा दो टक्कों के तुम्हारी औकात नहीं मेरे सामने और तुम इतने मनमाना करके दिखा रहे दुनिया में बाप के तुम्हारे दुनिया छोड़ना रे देखा ताकत नहीं देखा जाता जाता नहीं जाता 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 जाने अनुमान से तेरे पहले सब खुलासा करके जाना पड़ता कौन डाले थे उसके पेट में बोले ना जी नाम औरत नाम औरत उसका नाम नहीं है क्या थी उसके माँ ने उसको मारी थी क्यों कई को मारी थी ऐसे झगड़ी हुई थी उसके माँ को भी मैंने उसने सुलाई तो उसके माँ को भी क्या करी वो सुलाई खिला के गंदा खिला के मारा लगी अरे रे रे दाखतों का मालिक भी कल्याण मरा मैं किसी कुछ नहीं कर रहा कभी नो लोग जाना बचा रहा तुम जाना ले रहे थे तेरे बातों से ए बाबा और इसको मैंने नहीं लगे सिर पीछे अरे अरे बाबा और कौन कौन मिला रहा औरत के साथ और कौन कौन मिला था नानी जादूगर कितने पैसे दी उन्होंने बहुत पैसे होती रे बाबा कितने दी थी बहुत बोले तो बहुत कितने 60-70 हजार बहुत ही लगता अच्छा अरे अरे छोड़ रे मेरा हाथ टूट रहा पूरा तोड़ दूंगा ये बच्चे को मार रहे थे इसको मारने वाले नहीं थे तड़पाने वाले थे तड़पाने मारने वाले थे इसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं रखा इसने वही तक की दवा पिया दवे में मरा बोलेंगे पर बचाया उसके भाई ने अच्छा तूने फिर सुझाया दिला सुसाइड अटेम्प्ट करने लगा था अरे बाप का राज चल रहा तुम्हारे हाथ रे बाप से छोड़ रहे छोड़ना हाथ छोड़ रहे बाबा तोड़ने लगा ए नहीं रे हाथ दू कसम से तो छोड़ना छोड़ रहे मरने से पहले क्या नाम था नाम बोल ए छोड़ ना उसको क्या लेने का तो बच्चे के आम में तू घुसा ना तो मरने से पहले नाम क्या था अरे छोड़ रे जी जाते है मरे वाला इंसान है खबीर कौन है ए अरे छोड़ रे चला दूं पूरा ए तोड़ दूं ए तोड़ दूं कोई औकात नहीं तेरी मेरे सामने कोई औकात छोड़ ना दूसरे इलाज वालों को जैसे समझाने को छोड़ रे बाबा छोड़ रे छोड़ बता था ए बता था रे ए पूरा दुख रहा रे मेरा बदन चल बता जिन्ना आते मर वाला इंसान है हबीस जी ने मर वाला इंसान है हबीस जी का उड़े हबीस जी ने शमशान पकड़ के लाओ हाँ लगा लगा पूरी लगा
जोर से और जोर से जोर से गंदी रे ए बाबा ए अंगूर फट रहे कान ताला कर काम कर रहे ए बाबा छोड़ ए कैसे कैसे अंगूर फट रही ए छोड़ ए छोड़ रे कलाम ए छोड़ रे छोड़ रे छोड़ बोल दरवाजा अंदर आओ निकल किस तो आओ अंदर आके मुंडिया के उतार ए छोड़ रे बाबा ए ए छोड़ दे सा अरे अरे उसकी मुंहानी नहीं करी उसको मेरा कहीं पीछे लग रहा मैं पकड़ लो उसकी मुंहानी को मेरी मुंहानी उसकी मुंहानी नहीं करी उसको छोड़ रहा मैं तो छोड़ तो मैं जाता ए छोड़ दे बाबा ए छोड़ रे अरे बाबा छोड़ बोल रहा मेरे मांगर पड़ रही छोड़ नहीं छोड़ कर सकता छोड़ जा नहीं सकता तू एक बार और जगह छोड़ बोला ना लगाओ छोड़ बोला ना देखो हम लोग मार जाएंगे बाबा ये तेरा बाबा छोड़ रहे बाबा छोड़ रहे
दूसरे मौलाना उनकी कुरान पढ़े, भाई ने कुरान पढ़ा नहीं रे बाबा, कैसी पढ़ी मारते को हे बाबा, कैसा दिया अल्लाह ने तासीर में जबान, छोड़ ना रे बाबा, ए बाबा अरे उसका पेट में का वो गिरा नहीं कुछ तेरा बहुत गिरा नहीं रे पांच उन्हें विचार कर आने का तो यहाँ आने लगा उन्हें ये बाबू मित्तल बाबा छोड़ ना रे हाथ पंगर पड़े पैर पंगर पड़े पेट में तू करा यार तू से उसको तकलीफ हो रही थी ए बाबू छोड़ दे रहा था उसको सुबह से तकलीफ ए बाबू मरी दे दे अरे तेरे पेट में पानी नहीं उतारे हमने कलाम का ए तो पानी उतारी हूँ फिर कैसी आग लगनी ए बाबू रे बाबा छोड़ उतारो पानी फुका के नको रे बाबा जला देंगे तेरे पूरा भस्म कर देंगे अरे नको बोले ना मैं एक मौका दो सुनने का दे छोड़ दे मुझे मैं जाता नहीं नहीं वैसा नहीं जाना पड़ता मेरे फौज में गुलाम बन के रहना पड़ता ए जान दो ना मेरे को आज फिर नहीं नहीं वैसा नहीं लोग मारा वहां कमजोर लोगों को सुनम करेंगे जान से मारेंगे अपने जब अरे मैं कहां आया था उसके पास हां फिर उसके मम्मा जी ने भी करा के भी जीत रहे वो जो भी है तो तेरे को मेरे पास रहना पड़ेगा ना पड़ा वो तंत्र के लिए तेरे बाबा नहीं जानता हूं चलो पढ़ में क्या पढ़ा रहा हूं तेरे को तू मुसलमान बन के मेरे पास रहना तेरा नया नाम रखेंगे हम एक ही मौका दे रहा हूँ बोला क्या मौके में सुधर जाना बाद में पसंद कर दूंगा पूरा ए बाबा अंगार पड़ रही पेड़ को मेरे छोड़ डाल रही तू चल पढ़ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहमान रहीम ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर बोल मुहम्मदुर बोल मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है आज से मैं मुस्लिम जिन आज आप नया नाम रखेंगे एक नाम बोलो रे कैमरा एक जगह लिखने पड़ना कमा नाम बोलो मुसलमान जल्दी नया नाम रखे जाबिर क्या रखे जाबिर हाजिर हो बोली क्या हाजिर होना मैं जब भी आवाज दूंगा जाबिर हाजिर हो तो हाजिर होना जो भी हुक्म दिया उसकी तामील करना बेशक ये मेरा वादा है बोल वादा है मेरा बेशक किसका गुलाम है तू बोल सैयद टीपू सुल्तान किसका गुलाम है सैयद टीपू सुल्तान का चलो मेरा तो पहले लो चल जा बाहर जा खड़े हो बच्चे को छोड़ो चल छोड़ो बच्चे को चल बाहर खड़े हो चल जा जाबिर बाहर खड़े हो अरे क्या हुआ तुम आप क्या नाम था इनका क्या नाम है तुम्हारा फिरोज भाई आ गया हो क्या हुआ तुम आपको अभी सवाल जवाब कुछ याद आते क्या कुछ भी नहीं जोर से बोलो कुछ भी आते हाथ पर अंगार पड़ रहे एक कैमरा में दिखला दे जाना चेहरे का बोले ना क्या है कुछ हाथ पर अंगार पड़ रहे और पेट में दुख रहा पेट में कुछ भी वो था गालियां दवा हुआ क्या है वो शैतान ने बोला कुछ भी क्या बात है देखो तुम अपमान और दूसरी बात क्या बोलते तो दुआ का पानी ज्यादा ज्यादा पीना तुम उल्टे आऊंगे दुआ का पानी पी दो पानी पिलाते बॉटल तो लाए थे तुमने पानी की कहाँ से आए थे तुम पूना से आए थे पहले कभी आंग पे हाजिर हुआ था कि तुम्हारे शैतान के साथ तकलीफ होती थी मेरे को हथौड़ा मारे सर गाऊंगा खींचे सर गाऊंगा मौलाना लोगों को बताए थे कि दूसरे मुसलमान हो गए
बताया था सब जगह बताया। कुरान में पढ़ के फूके थे क्या उन्होंने? कभी हाजिर हुआ था क्या? नहीं। उन्होंने भी पढ़ के फूके थे, मैं पढ़ के फूका। मेरे पढ़ने में कितना फर्क है अल्लाह ने। अंगा तेज हो रहा मेरा चेहरा सारा। पानी कौन सा मिला मिला के पहुंच गया। अब कैसा लग रहा वजन वजन लग रहा वजन वजन हाथ पे वजन हाथ में अंदर पेट पे मन हाथ पेट और ये हो रहा बाहर में सर मैं सर भी वजन पकड़ो इसको ये पूरा पी लो ये वजन लाओ उसके पेट में पूरी दवा बाहर लाओ चलाओ पेट में से अंडा के बाहर खींचो खींचो पूरी दवा बाहर खींचो जल्दी पूरी दवा बाहर लो जला के पूरी दवा बाहर पूरी दवा बाहर चल जल्दी में दवा तेजी से आग लगाओ पूरी दवा बाहर लाओ दवा को जलाओ तेजी से बाहर लो खींचो दवा को अंदर चैन से मत बटन दो आग लगाओ उसको अंदर से तो बाहर आती हो जलाओ जलाओ उसको और तेज जलाओ हाँ चल पूरा बाहर हाँ बाहर हाँ पूरा बाहर बाहर जल्दी हाँ चला पूरी दवा बाहर लाओ खींचो दवा को बाहर जल्दी तेजी से बाहर जल्दी बाहर 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 जल्दी बाहर चला बाहर बाहर आप ताल लगाऊं तेजी से हम ऊपर दवा जलाऊं खींचो उसकी दवा को बाहर तेजी से खींचो दिमाग में भी निकाल उसकी दिमाग में भी निकाल दिमाग में भी निकाल पूरी बाहर पूरी बाहर दिमाग में से भी निकालो उसके उसके पेट में से भी निकालो सब बाहर करता रे बाबा ये बाबा लाओ उसको पूरा बाहर लाओ यूजन थी गिलास एक मंगाओ लाओ निकालो उसके दिमाग में से निकाल पूरी निकाल दिमाग में बैठा था चढ़ के परेशान कर रहा था वो जला जला लाओ दवा को जला के लाओ बाहर बाबू ये अल्लाह ये बाबा ये अल्लाह के बंदों को जुलम दे रहा और अल्लाह को याद करवा ना लाया खुद बीमार पड़ी तो अल्लाह याद आ रहा तुझे हम लोग जुलम दे रहा था तो चकड़ो चकड़ो और तीस चकड़ो चकड़ो गिलास में पानी डालो थोड़ा फोका पिलाओ उसको पेट में आग लगाओ तेज से आग लगाओ और पूरी दवा बाहर खींचो खींचो दवा को पूरी बाहर खींचो जला के चलाओ अंदर से चारों तरफ से आग लगा दो बाबू
लाओ उसकी दवा जगड़ के लाओ बाहर लाओ खींचो उसको बाहर पूरी दवा बाहर अरे बाबू दया नहीं छोड़ना जमीन को चिपका कर तुम खाया मत कर जल्दी बाहर निकल चिपका ना जमीन को सब चिपका कर रखूँ नाला जल्दी पूरी दवा बाहर फेंको नेहारी मार दो हाँ नेहारी ऐसा जलाओ तेरा तो तेजी जला के खींचो बाहर थोड़ा पड़ता करो तेरा लंबा ये मैं सिर दुख रहा है बाबा ये पूरा खाना तो ये पेट दुख रही है मेरी ए बाबा जला रे बाबा ये बाबा छोड़ रे ए बाबा छोड़ ए बाबा बाबा छोड़ रे ये जला रे मेरा ये बाबा पूरा दुख रहा है छोड़ सब बाहर निकाल सब बाहर सब बाहर आपका रात चल रहा है साहब हाँ लाओ उस दवा को जला के लाओ बाहर तीस नहीं यार ये जान दो ना ये बाबा बोझ कर ये बाबा चलाओ लगी आप पेट में लगी आप चलाओ लाओ लाओ पूरी दवा लाओ भाई दे बाबा देखो यार बिल्कुल गलीज और खराब बात है कोई तुम्हारे लड़ रहा कुछ भी कर रहा तुम अल्लाह को बोलो उसके चोको ऐसा गलत है ना किसकी भी जिंदगी बर्बाद कर देना ऐसा खानों में डाल के करके जादू टोने वो शैतानी उसके मुंह से क्या क्या दास्तान बयान कर रहा ये बिल्कुल गलत है जादू चलाने वाला फरमाया हमिस नहीं है हमिस नहीं है हमिस नहीं है और जो जादूगर के पास जाता वो भी हमिस नहीं है जादूगर के पास जाने जो जाके जादू चलाता उसकी 40 दिन तक की इबादत रद्द कर दी जाती है 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल भी नहीं करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है वो हम में से नहीं वो हम में से नहीं है तुम्हारे को कुछ भी बोलना है तो तुम अल्लाह को बोलो तुम्हारे जूते के टाके भी खुल गए तो तुम्हारे बाप से पैसे मांगने से पहले हदीसों में बोला है कि पहले जानी माज बिछा कर अल्लाह से मांगो कि अल्लाह तू दे फिर उसके बाद जाकर उसको सिलवाओ जो भी अच्छा था हर चीज अल्लाह से मांगना है सब अल्लाह की दुनिया है सब अल्लाह वाली है शैतानी ताकत कुछ नहीं है सब जेर है अल्लाह कलाम के सामने फिर तुम लोग जाते जादूगर के पास जादू कर रहे एक दूसरे पे जादू टोने चला रहे इससे किसका क्या जा रहा है इससे तुम्हारी खुद की दुनिया और आखिरत दोनों भी बर्बाद हो जा रही तुम्हारी तुम्हारी दुनिया भी जा रही तुम्हारी आखिरत भी जा रही तुमको अभी हरा हरा लग रहा मगर क्या तो जिंदगी तुम्हारी और दुनिया आईना है तुम जिसके साथ जैसा सुलूक करेंगे तो अल्लाह तुम्हारे औलादों के साथ भी वैसा सुलूक करके बताता इस वास्ते किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना कोई अपने साथ में कुछ भी कराना है कुछ भी हुआ सुन तो अल्लाह को बोलो तुम तो अल्लाह सबसे खतरनाक बदला लेने वाला है एक बात ऐसी है कि अल्लाह खुद फरमाता है अगर तुम अगर से समझो कोई भी तुम्हारा कोई भी मसला है और तुम अगर ऐसा बोलती कि मैं उससे बदला ले लूंगा झगड़ा हुआ तो फिर अल्लाह फरिश्तों को बोलता कि उस इंसान ने मेरे बंदे ने खुद बदला लेता बोल दिया तो मैं बीच में नहीं जाऊंगा उसका उन्हें देख लेगा उसका बेटा और अगर ऐसा तुमने बोल दिया कि मैंने अल्लाह पे सूख दिया अल्लाह बदला लेगा तो अल्लाह फरिश्तों से कहता कि मेरे बंदे ने मेरे पे वो बदला लेने की सौंपा मुझे जिम्मेदारी दिया अब देखो मैं कैसा बदला लेता अल्लाह के वास्ते तो कोई बदला ले नहीं सकता अल्लाह पे सोपो कभी किसी की जिंदगी खराब नहीं करना कि तुम अगर कर दे रहे जा रहे कर रहे तुमको भी समझ रहा हो जादूगर क्या कर दे रहा मगर उससे जिंदगियां खराब हो जाती लोगों की और निकालने वाले बहुत कम बैठे आले दुनिया में छोटे चोरा खुद बैठे आले डुप्लीकेट जो बेवकूफ तुम्हारा बना बना के तुम्हारे पैसे खा के तुम्हारा कुछ इलाज नहीं करते जिनको कुछ आता भी नहीं उन्होंने भी पढ़ रहे कुरान मैं भी पढ़ रहा हूँ बहुत सारे तो पक्का और मौली साहब के पास तुम दरगाहों पर इधर उधर जाएंगे वहां तो अल्लाह की रहमत बरसती हूँ छोड़ दो दरगाह पे जाना मगर उसके अलावा तुम अगर कोई काफिर आमिल के पास चले जा रहे जो भी जादूगर एक सवाल फिर तो तुमने शिर्क कर दिए वो शिर्क है असल क्योंकि तुम्हारा अल्लाह से अकीदा हट के जादू टोने पे अकीदा चलेगा तो ये बहुत सारे बातें हैं जरा बारीकी से स्टडी करो बारीकी से समझो और सबसे पहली बात मैं और एक बात ये भी समझाता हूँ कि नमाज बार बार ये बोलता हूँ मैं लोगों को कि तुम नमाज इबादत ज्यादा से ज्यादा करना क्योंकि इबादत करने वाले को जरा तुम हथेली में रही रख के रही के दाने वगैरह हथेली में रख के कैसा देखते बस अल्लाह इबादत करने वाले को देखता 24 घंटे उसके बंदे को और इबादत करने वाले पे कोई आफत नहीं आ सकती कोई जादू टोना नहीं चला सकता किसी की इतनी औकात नहीं मगर शर्त यह है कि तुम कंटिन्यू इबादत करना सही तरीके से तुम पे जब आफत नाजिल हो रहे जब जादू टोना नाजिल हो जा रहा उसके बाद तुम इबादत को जाएंगे तो यकीनन तुम्हारा शैतान इबादत करने नहीं देते
आज तक के मेरे सारे वीडियो देख लो, उसके अंदर शैतान आई बोलते कि हमने इसको इबादत नहीं करनी थी, जब से इसके आने पे आए तो इसको मस्जिद के रास्ते ले जान दिए, इबादत के लिए जान दिए। और अगर पहले से तुम अगर इबादत करते रहे तुम्हारे को फिर कोई शैतान की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हारे ऊपर हमला कर सके और तुम्हारे कोई खिला के जादू करने की छोड़ सके चीज ना, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता, तुम खिलाते थोड़ी देर में उठने मार के अल्लाह को बहुत निकालने लगा देता। अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को तुम मजबूती से थामेंगे तुम तरफ से। और वली अल्लाह बुजुर्गान दीन को तो बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि तुम लोगों ने उनकी इबादत भी नहीं करे, तुम उनके सामने पासंग में भी नहीं बैठते इबादत में, ऐसी इबादत करे ली उन्होंने, ना उन्होंने रात देखे ना दिन देखे ना धूप ना छाऊं ना बीबी ना बच्चे, वैसी इबादत करे अली अल्लाह की उन्होंने। आज दुनिया के बड़े बड़े उलमा लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं, मुफ्ती हम खारी, अरे शर्म करो तुम मुफ्ती और तुम खारिया है बोल रहे अपने आप को, बुजुर्गान दीन को तुम बुरा बोल रहे, जबकि बुजुर्गान दीन ने भी कुरान पढ़े और तुमने भी कुरान पढ़े, तुमने कुरान पैसे के वास्ते पढ़े और उन्होंने कुरान अल्लाह के वास्ते पढ़े। तुम बोलेंगे हमने कैसा पैसे के वास्ते पढ़े, तो तुम मौलवी बनते पहले मस्जिद में जाके मुखर होते, बताओ कौन सा पेश इमाम आज जो बगैर पैसों के नमाज पढ़ा रहा, हर पेश इमाम पैसे ले रहा तनख्वाह ले रहा, ऐसा थोड़े बोल रहा तुम आपको दिल से देना है दो नहीं देना है मत दो, तनख्वाह मुकर्रर करो तो आके नमाज पढ़ूंगा, मस्जिद नमाज मस्जिद साफ करो तो तनख्वाह मुकर्रर करो तो मस्जिद साफ करूंगा, ये क्या है ये सर, इस पर ठंडे दिमाग से सोचो तो तुम आपको समझ में आता, ये अल्लाह से तुम मोहब्बत कर रहे तुमको मस्जिद साफ कर दो जजाय खैर होना या इंसानों से पैसे होना, तुम ऐसी नियत से करो कि अल्लाह के वास्ते कर रहे तो अल्लाह तुमको जजाय खैर देगा। अब तुम वो लोगों को बुरा नहीं बोल सकते बुजुर्गान दीन को, उन वली अल्लाह ने पूरी जिंदगी अपनी अल्लाह के लॉ में मिटा दिया, उन्होंने ना ऐसे नमाज पढ़ाने के पैसे लिए कभी जिंदगी में किसी से, ना कुरान पढ़ने के तरावी में कभी पैसे लिए। हाफिज बन के आता बच्चा सबसे पहले, ये तुम आप में सच्चाई बता रहा हूँ, सच बहुत कड़वा रहता, बच्चा बन के आता तो सबसे पहले जाके तो अच्छा खिलाफ से कुरान पढ़ूंगा सोचता हूँ, और पढ़ते सबसे पहले सब पीछे देखता कि पूरी 30 जब हो जाती 30 रात आ जाती चांद रात 29 भी, उस दिन उन्हें ऐसा सोचता कि सब पैसे वालों की तरफ उसकी निगाह रहती लगी आ रही कि कौन कौन मेरे को कितनी बख्शिश देता, वो भिखारी क्या देंगे, दुनिया के भिखारी है ये, मांगो उस बादशाह से जो देता है खुशी से, कहता नहीं कितनी बताते अल्लाह की, अल्लाह से मांगो तुम अल्लाह से रखोगे। क्या सोचता आज हर कोई मौलवी, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारा कड़वा लग रहा हूँ मगर ये सच्ची बता रहा हूँ, आईना बता रहा हूँ, मस्जिद में मौजूद साफ करने से बोल रहा हूँ 7,000-10,000 रुपए तनखा दो तो मैं मस्जिद में रहूंगा, इमाम साहब बोल रहे मैं 13,000 रुपए देंगे तो नमाज पढ़ूंगा, फिर इमाम साहब को मौजूद इन लोगों को क्या हक है वो अल्लाह के वलियों के बारे में बोलने को, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी अल्लाह के लॉ में बिताई, ना उन्होंने दिन देखे ना रात देखे ना बारिश ना धूप ना पानी ना कुछ ना क्या, तारीख निकालो और पढ़ो और शर्म करो उनके बारे में बोलने वालों, वो उस वास्ते अल्लाह उन पे राजी है, उस वास्ते वो अल्लाह के वलिया हैं, उन्होंने कुरान पढ़े तो उन्होंने अल्लाह के वास्ते पढ़े, तुमने कुरान पढ़े तो तुमने दुनिया के वास्ते पढ़े पैसे लेने के वास्ते, ये मैं गलत बोल रहा हूँ तो खुद देख लो खुद का दिल में जाके सोच लो, मालूम हो जाएगा तुम्हारा कुछ सच्चाई। झगड़ो उसको और आओ भाई पूरी दवा लाओ उसके जरिए अंदर मत रंधाओ, सलामत है तुम लोग मरेंगे तुम मर के मट्टी में मिल जाएंगे, तुम्हारी बॉडी को बाहर रखे दो दिन पूरी सड़के गल के बास कर देंगे पुलिस में, और वो देखो आज भी उनके खुशबू महकती आज भी उनके शरीर से खबर खुल जाने के बाद, वो भी कैसे बादशाह लोग थे मुसलमान सुल्तान महमूद खबर खुली वो भी देखो उनकी भी कैसी बॉडी जैसी की वैसी, बहुत सारे बुजुर्गान दीन की खुली जैसी की वैसे, तो हक है ना क्योंकि अल्लाह के लॉ में मिट गया आले है ना वो अपने आप को मिटाए, तुमने थोड़ी अल्लाह के लॉ में मिटाए, तुम अगर से अल्लाह के लॉ में मिटने आ जाते तुम तनख्वाह नहीं मांगते थे मस्जिदों में नमाज पढ़ाने के, और तुमको कोई हक नहीं है बुरा बोलने का, किनको अल्लाह वालों, मेरे पास बहुत सारे शिकायत आ रहे ऐसा बोल रहा बुजुर्गान दीन कोई नहीं ऐसा बोल रहा, मत बोलो क्योंकि कौन अल्लाह के कितने करीब है कौन सा हो, तुम वो अल्लाह अगर चाजाब में घेर लेगा तो कहाँ जाएंगे तुम, गरीब नमाज के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं बंदा नमाज के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शख्सियत आते हैं मिट गए मिटा दिया अल्लाह के लॉ में वो लोगों ने अपने आप को, तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, सबसे पहले अपने बारे में देखना आज कितना बड़ा भी शेकुल हदीस है तो उनके नाखून की बराबरी नहीं कर सकता, इतनी इबादत करी आज लोगों ने इतनी इबादत, जब उन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हुए उनके पिशानी पे लिख के आया था कि अल्लाह का हबीब अल्लाह के रास्ते दुनिया से रुखसत हुआ, तो मिट गए और मिटा दिया उन्होंने आखिरत बना ली, तुम उनको बुरा बोल के अपनी आखिरत पर बात कर ले, तुम किसको बुरा बोल रहे जरा सोचो जरा, तुम समझ में ही ना फिर तुम अपने आप को कुछ नेक वक्त समझ रहे क्या, कहीं के नेक है तुम पैसे के वास्ते नमाज पढ़ा रहे पैसे के वास्ते कर रहे, तुम अब लग रहा हूँ कड़वा इस वास्ते बोल रहा हूँ कि तुम इतने बड़े बड़े हस्तियों को बुरा बोल रहे इस वास्ते,
उन्होंने पूरा लव में अल्लाह के लव में मिट गया, मिटा दिया अपने आप को, फना कर दिया अल्लाह हिफाजत में। वो उनके तो आज भी उनके क्या बोलते तो खबरों पे भी हुजूम लगा के रखा ना अल्लाह ने। कैसा जान देते तुझे पूरी दवा गिरा दे उसके बाद छोड़ देते, वसा नहीं छोड़ते। तरावियां पढ़ा रहे और आस रख रहे पीछे नमाज पढ़ने वालों से आस रख रहे कि वो फलाना दिंगा ये फलाना दिंगा। तुम दुनिया के इंसान को अगर पैसा मांगेंगे तो उधार भी मांगो या पैसा मांगो उनको आपको एक बार दिंगा और दूसरी बार दिंगा और तीसरी बार तुमको यकीनन भिखारी बोलता हो। ये भिखारी आगा मेरे पास पैसे मांगने को ऐसा बोलता। और तुम उस रब से मांगो जिसकी हुकूमत साथ तुम्हारे सांसों पे हर जगह। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है सूरह जिन के अंदर सूरह रहमान के अंदर गए जिन अब इंसान भाग जाओ कहां तक भागते भागो खुदा की रियासत छोड़ के निकल जाओ जहां पे भेजेंगे खुदा कोई सुल्तान पाओगे बेशक कहीं तक भी जाओ खुदा की सुल्तानत। तुम इतने बड़े सुल्तान खुदा की सल्तनत खुदा से नहीं मांग रहे, इतना बड़ा खुदा है तुम दो टक्के के लोगों की तरफ निगाह रख रहे थी। नमाज का सलाम हम फिरने के बाद तरावीह की पढ़ा देंगे वो तुमने दे दिया इनाम ये दे दिया इनाम। अरे इनाम उससे मांगो जजाय खैर मांगो उससे, अल्लाह का दिया सरता नहीं और बंदे का दिया पुरता नहीं। तुम्हारा देंगे ना दूसरी बार भिखारी बोलते दो से तीन बार मांगो ना किसके घर पे जाके उधार, एक बार उधार देता दूसरी बार उधार देता और तीसरी बार तुम्हारा यकीनन भिखारी बोलता हूँ भिखारी आ गया मेरे पास पैसे मांगने बार बार। और तुम अल्लाह को मांगो 70,000 बार मांगो के 70,00,000 बार मांगो तुम्हारा और खुश हो के नमाज था और दो बोलता अल्लाह इसको और नमाज हो मांगो जबान बनाओ ऐसी मांगने वाली पूरे मुंह में ठूस दे रहे सिगरेट पी रहे गांजे पी रहे क्या क्या गली शौका कर रहे इससे तुम्हारी जबान में कहां से तासीर रहेगा, कहां से अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा, सोने कहां से देंगे तुम्हारी दुआ। वहां नहीं तू पाक बनाओ तो फिर अल्लाह से वापस सही नहीं है। जान दे रहे चल रहे पूरा बाहर पे कुछ की दवा चला जल्दी बाहर बोला था हाँ, गंदा है। तुम्हारे यहाँ पे हाजिर होके बोला था क्या? नहीं नहीं, इतना ही बोला था उन्हें। तुम्हारे यहाँ पे इससे पहले कभी हाजिर हुआ क्या? नहीं हुआ।
खाली तकलीफ देता था, तकलीफ देता था, नमाज पढ़ते हो तो तकलीफ होती है, देख के बोलो पूरी दुनिया देख रही तुम्हारा, तकलीफ देता था नमाज पढ़ते वक्त, नमाज नहीं पढ़ने देता था। देखो क्या बोला था मैं तुम्हारे लोगों को, नमाज इबादत पहले से पढ़ते रहो, रस्सी मजबूती से थामो, बाद में जादू टोना चल गया तो शैतान पढ़ने देता, बाद में तुम बोली जब जादू टोना हटाने को हम जाएंगे जाके इबादत करेंगे अल्लाह की, तुम लोगों को रस्ते तक जाने नहीं देता, और तुम ऑलरेडी पहले से जाते रहेंगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर जादू टोना चलने नहीं देता, जाने देता ना था, बशारत गिरते क्या बोले, बशारत मतलब आप सल्लम का नाम दिखता, अल्लाह का नाम दिखता, और घोड़ा दिखा था, कौन सा कलर का, सफेद कलर का, उसको बहुत तीर लगे थे, जुम्मा की नमाज पढ़ते वक्त दिखा था मैंने, ये लगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा था, और सजदे में वो तो बैठे थे, उनके हाथ में बच्चा था और उनको भी तीर लगे थे, बच्चे को भी तीर लगे थे, वो भी दिखा था, और पंजे दिखे थे, आप सल्लम का कभी जिक्र होता तो हमको काटे थे मेरे, और तुम्हारे को जो दास्तान है तुम्हारी क्या क्या है, और मैं तुम्हें मुझे बोलता हूँ देख लो तुम्हारा रिकॉर्डिंग में सब तुम्हारा मालूम है, चलो अब कैसा लगा तुम्हारा पेट कैसे पकड़े आना, दुआ ज्यादा ये दुआ का पानी ज्यादा ज्यादा हो तो मोशन लगेंगे, संडास संडास लग के दवा निकलना चालू हो जाती है, और जितनी भी है बचे आएगी क्योंकि वो बहुत हरीज दवा है, वो मोशन में निकल जाएगी, समझ गए, निकाल 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 अभी कितनी बचा रही जल्दी निकाल, सिर्फ चार आने मुंह से बारह आने क्या बोलते तो मोशन में निकल गया, संडास हो लगेंगे, संडास लग के दवा निकलना चाहिए, तो दुआ का पानी ज्यादा से ज्यादा पीना पड़ता है, बहुत तकलीफ मतलब तकलीफ नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, हम सब मालूम होगा रही, यहाँ जितने लोग बैठे थे सबने अपना लाइव देखे, सबने सुन लिए तुम्हारी क्या क्या कहानी थी सब, और तुम्हारा कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारे आने में आखिर क्या बोल के कहा, हमारे सब सुना दिया हमने पूरी एक्स वाई जेड तुम्हारी शुरू से तो आखिर तक की कहानी, तुम्हारे भाई में झगड़ा है, तुम्हारा क्या क्या है, तुम्हारे माँ का इंतकाल हुआ है, देखो सब बोल के काम है, हमारे को बोल के हमारे को मालूम होगा, चलो खैर अब क्या बोलते तुम, दुआ का पानी पियो, बच्चे इनका हुआ सब निकल जाते, ठीक है, एक दो संडास होते तुम आपको उसमें खत्म हो जाती पूरी तकलीफ, सब कब पहुंचे तुम यहाँ पर भरी हूँ, कहाँ से आए तुम, सोलापुर से आया था, पुणे से सोलापुर गया, सोलापुर से घर पे मिल गया ससुर वाले को, फिर आया कोई नहीं आ रहा था मेरे साथ, कौन अच नहीं वही तक के मज निकला, वो भी बोल दिया हाँ, वो सब आ गया शैतान ने सब बोल के क्या क्या बोला, आने नहीं दिया, आने नहीं जो बात करने लगे उधर कैमरा जाना पुतले के जैसा कहीं पुलिस बैठ रहा, किसको भी आने नहीं दिए थे तुम्हारे, हमारे साथ आने नहीं दिया रहते, मोबाइल बेच के आए तुम, हमें भी मालूम होगा, उन्हें बोल के कहा उनके मालूम, मेरे भाई बच्चे सुना रहे थे मोबाइल बेच के आए, मोबाइल बेच के आए, तुम्हें सुनाया ना मेरे सामने क्या था, उसमें सब उसमें देख लो तुम्हें मालूम होता, वो आने दे रहा था लोगों को क्या 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 क्या, इधर के रास्ते तुम वीडियो देखते थे, वीडियो देखे और तबियत ज्यादा खराब होती थी करते तुम्हारी, वीडियो देखते थे बोलते मेरे वीडियो देख के आए, ये मकसद है वीडियो डालने का, बेवकूफ हो अकल के अंदो, तुम चाह के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अल्लाह जिसको उठाना चाह उसको पूरी दुनिया मिलकर नहीं गिरा सकती, और अल्लाह जिसको गिराना चाह उसको पूरी दुनिया मिलकर नहीं उठा सकती, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मेरा कोई उस्ताद नहीं है, और मैं कोई शौक से नहीं बैठा रहा हूँ यहाँ, देखो अल्लाह ने बिठा के काम ले रहा है अल्लाह मेरे से, अगर मेरा उस्ताद रहता था तो फिर मेरे को कुछ भी नहीं आता था, बहुत जगह कितना पैसा बर्बाद करे तुमने अभी तक, बोलो उधर देख के, नहीं बोले तो 15-20 हजार रुपए मैसेज गए, और कम ही तो 1 रुपए के नहीं, 8-10 साल शुरू से तुम्हारे 10 साल में कितना पैसा बर्बाद हुआ तुम्हारा, वो बोलो टोटल नहीं बोले तो 40-50 हजार रुपए तो ऐसे जगह बोलो क्या देखते हैं, दुनिया देखिए
इसके लिए से देख के आया नहीं यहाँ, मेरे को यकीन आया कहाँ तो कहाँ निकली ना रास्ता, नहीं तो जीने की उम्मीद छोड़ के दिया था। देखो ना अभी तुम्हारा मालूम होता ना सब, देख मेरी मत क्या क्या चला यहाँ लम तो पिला उनको पानी और पुकार। अब तुम आप ये सब पूरी दवा जमा करो, एक या दो संडा दूंगे राइट होता तो पुरानी तकलीफ मतलब होती थी, मैं बंद कर देता था वीडियो लगे एक 10 मिनट तो बंद कर देता था, ठसका जोर से लगता था मेरे को इसके वजह से कुरान की आयत पढ़ने के बाद। नमाज को पढ़ने जाने का बोले ना तो दिल होता था, उन जाने का नहीं बोलता था, वापस फिर के आता था मैं, नमाज भी पढ़ने को नहीं देते थे मेरे को। भला है बदमाशी, फोन करा क्या करा, सब आगे आ रहा सब है रिकॉर्डिंग में देख लो, तो देखने के बाद परेशान हो जाएंगे पूरा आलम कैसा हुआ क्या चला है। बाहर बैठ के बोले तो ना हमारे मामी है ऐसा वैसा, मेरे को नहीं बोलना अपने मुझसे बोल के क्या मतलब था वो, हाँ उनका उनका जवाब दे देखी मैं ना दुनिया देख रही ना देखो ना मतलब कैसा तो झगड़ा नहीं हुआ अभी तो उसको मार के पूरा जमा कर रहता वक्त तुम्हारे पूरी पेट में पूरा ये ऐसा ये हो रहा पकड़ पकड़ सर भेजे किसी का हो रहा। कल जाओ तुम अभी आज नहीं जाना, रुक के करके आज रात में से एक तो संडास में दिमाग तो हवा निकल जाएंगे पूरी खत्म हो जाती है, मगर दुआ का पानी ज्यादा से ज्यादा पीना जरूरी भी नहीं, अच्छी नहीं है दवा, मरीज है वो बहुत क्या है तो तुम देखो तुम आप मालूम था 5 लाख 10 लाख इलाज के जो आपका काम है ना सब में अच्छा काम है। हाँ आप मेरे दिल से मैं दिल से बोल रहा हूँ कि लोगों के अस्तर अपना अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है सच्ची बोलने का बोले तो, ना आपके काम के जरिए ना लोगों का अच्छा हो रहा ना अच्छा होते जा रहा, मेरे को तो इंतज़ार नहीं है बस ना पैसे लेते ना क्या नहीं। अब मैं हैदराबाद को आके 2 दिन तुम्हारे लोगों के वास्ते हैदराबाद के वास्ते वहाँ पे अपॉइंटमेंट करता था, साउथ इंडियन लोगों के वास्ते, साउथ इंडियन के पूरे लोग जो आ रहे थे उनको इधर हिंदी बोलने नहीं आ रही और उधर हिंदी चलती नहीं, उधर तेलुगु आपको उनको जबान आ और यहाँ हिंदी नहीं आ रही, परेशान हो जा रहे थे हम। मैं आने के बाद ट्रांसलेट भी करने हुए, कोई नहीं किस कुछ नहीं आ रहा ट्रांसलेट, अब किसका क्या गा, मैं यहाँ मैं पहाड़ पे पड़ा तो लोगों को वहाँ आना पड़ता, मैं तुम्हारे वहाँ की जनता की खिदमत पे आता था, अब ये लोगों को कितनी तकलीफ हो रही बेचारों को, वहाँ से कहाँ से आई है पूछो इनको जरा बोलो मियां तो हैदराबाद से हम लोग कहाँ से कितनी तकलीफ उनको वहाँ से यहाँ तक आना पड़ रहा, सीरियस पेशेंट है उनके साथ में, शर्म आना और नस्ली अलाम कीड़े पड़ के मरेंगे आराम को मरेंगे के, इनकी ऐसा आम जनता को तकलीफ दे रहे हो लोग, किसको जनता को तकलीफ हो रही मेयर क्या, मैं और पहाड़ पे जाकर बैठता हूँ दूसरे देश में जाकर बैठता हूँ इंडिया से भी जाओगे तो, मगर तकलीफ किस को ही पूछो वहाँ लोगों को क्या तुम यहाँ तक आने में खुशी हो रही क्या, तकलीफ हो रही है हैदराबाद में थे बस आसानी से मिल जाता था हमारा 30 रुपए में काम हो जाता था, आज यहाँ 3,000 रुपए लगा के आना पड़ रहा ट्रेन से बस से ऑटो से टिकटों में एक तो पेशेंट है बड़ा पेशेंट को संभाल के लेके आना डायलिसिस पेशेंट है बड़ी मुश्किल से, इतना 5 दिन पहले से 1 हफ्ता पहले जितना सताया 1 हफ्ता पूरा सताया बस आने के लिए, घर के पास में रहता तो खरी में चलो जाके मिलने के आते थे, अब इतनी दूर से लेके आया तक बाहर सुबह से भी सताया अभी तक बंदर लेके आई बेटा, तो इतनी मुसीबत हो रही कि आप करें आने से आने की वजह से, उधर अगर आप उधर ही रहते तो हमारा हमारे जैसे कई आदमी है जो हैदराबाद में जो परेशान फिर रहे हैं, मैं भी 2 साल आज मैं तो 20 साल से फिर रहा हूँ लेकिन आज 2 साल से मेरे भाई के लिए मैं हर जगह इतनी जगह गया मैं बोल नहीं सकता बता नहीं, हैदराबाद
तो मेरा गढ़ है, मैं हैदराबाद का जितना जितना मेरे को मालूम है हर जगह गया था। हाँ हमारी ख्वाहिश है कि हजरत वहाँ पे आए, वहाँ पे खिदमत करे, कि चार लोगों को उनसे भी फैज पहुँचे, कि हमारी ख्वाहिश है, हम खुद चाह रहे ये चीज। किसका क्या राय है, जनता को तकलीफ हो रही है, अवाम को तकलीफ हो रही है, पहले भी तकलीफ हो रही थी जनता को अवाम को, या ऐसा डर है या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते, अब तुमने तो पॉलिटिशियनों में जा जाके नस्ली हराम हो सारे देश में बंटवारे करके डाल दिए, हर जात का अलग 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 ग्रुप बना दिए, देश को आज भी जोड़ के रखा सूफीज्म ने, आज भी देश के हर जात को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सदियों से जोड़ते आ रहा सिर्फ सूफीज्म सूफी मूवमेंट, और प्रधानमंत्री भी ये बोलता कि मैं सूफी मूवमेंट को मानता हूँ, सब लोग आए कि वो इतने कट्टर लोग रहने के बाद भी सूफी मूवमेंट मानते, तुम बदमाश हो खराब हो, कौन से जहन्नुम में जाके चलने वाले कि तुम इतने लोग भी बदवा लेंगे, किसका क्या काम, मेरे को क्या है, मैं देखता भी नहीं, मेरे को नहीं भी नहीं, कोई गरज नहीं देखने की अंधिकारी के लोगों को, सिर्फ मैं इस वास्ते देख रहा हूँ कि अल्लाह में जितने को जवाब लेंगा पूछेगा सवाल करेगा, बोल क्यों नहीं तुमने देखे, क्यों नहीं तुमने लोगों को राइट करे, हमने तुम्हारे हाथ में फैज रखे, फिर क्या जवाब दूंगा मैं, मतलब उस वास्ते मैं मेरा काम करूँ, मेरे किससे कुछ लेना देना नहीं है। और कुछ बोलना है तुम्हारा? नहीं आज भी तकलीफ नहीं है, उल्टियाँ होते तुम्हारा, मुझे मोशन होते तुम्हारा, मोशन होते निकलेंगे, अभी तो तुम्हारे आंग में बुला के सारी दास्तान पूछ ली, उसको मार मार के पूरा सब बोल के रहा हूँ, वो आया था आंग में सवाल जवाब चल रहे थे, कुछ याद था क्या? तुमने साथ में क्या लेके आए थे? पानी की बॉटल। हाँ पानी की बॉटल और अगरबत्ती और इत्र। सिल लाए थे? सिल था क्या सर? तुम्हारे पानी से पड़ के तुम्हारा शैतान निकाले ना, सब सिल बाटला फोड़ के, तो अल्लाह के कलाम की ताकत है। चलो ठीक है, खैर क्या अभी रुकना है तुम्हारा, दुआ का पानी ज्यादा ज्यादा पीना, तुम्हारा संडा सोना चालूंगा एक दो दुआ के पानी से, वो दवा निकालना चालू, यदि बहुत गरीब दवा है वो क्या है, तो एक तकलीफ होने ना, नहीं एक बार तुम्हारा पूरा फाइनल होगा तो उसके बाद नहीं सिर्फ दवा रही थी जिसको निकालना पड़ता पड़ी के जोर से, नहीं निकालते शैतान खींच खींच के बुलाते वापिस, और तुम्हारे को खाली पता था दवा, कभी हाजिर हुआ था कि तुम्हारे यहाँ पे शैतान? नहीं हाजिर कभी नहीं हुआ, दरगाहों पे भी गए थे तो दरगाहों पे गए तो हम काटे आते थे आंख, कभी हाजिर नहीं हुआ, तकलीफ उठते आंख थर थर का पता नहीं कहाँ से हाजिर नहीं हुआ। यहाँ कितने चक्कर में हाजिर हुआ तुम्हारा? पहली चक्कर है मेरी, पहली चक्कर है। हाँ देखो ऐसा रहता किसका पहली चक्कर में होता, किसका दूसरी चक्कर में, किसका तीसरी चक्कर में, और किसका जब हाजिर कर लेगा, मेरे मर्जी से हाजिर करता मैं पढ़ाई करके। चक्कर में ठीक है, उसको लपड़ दो पन्नी को, कब्रिस्तान में डाल दो, जाते जाते कहीं जाके शाम में पैदल जाके थोड़ा कब्रिस्तान कहाँ पे ठीक है, बस मत रोड़ो के। हाँ दुआ का पानी, पानी वो पानी जो दिया दुआ का ज़्यादा ज़्यादा मिला मिला के पीने का, अनिली जाके जाते जाते खबरस्तान में उधर फेंको दूर, और दूसरी बात सुबह में और एक बार बैठो मेरे सामने ठीक है, इंशाल्लाह। चलो वो शक्कर मिला के पीने का, सुबह शाम दो टाइम उठ का धुआं लेने का, धुआं घर को जाने के बाद उससे खैर बरकत भी आती है, सब ये भला बता रहे हैं भाग जाते ठीक है। चलो जाओ सुबह में और एक बार बैठो कल।